बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट डिज़ाइन। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन में हमने दोनों पेमेंट्स को देखने हैं, फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड। तो अब मैं चूंकि इस चीज़ से बचना चाह रहा हूँ कि जो पेमेंट डिज़ाइन का जो असल जो पार्ट है, जो एक्चुअल डिज़ाइन का पार्ट है, वो मैं चाह रहा हूँ कि हम मतलब क्लास में करें। तो ये जो उससे रेलेवेंट जो थ्योरेटिकल पोर्शन आप कह लें एक तरह से, या ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेमेंट फेलियर्स का या डिस्ट्रेसेस का, तो वो मैंने कहा चले आज कवर कर लें, क्योंकि ये उसी का पार्ट है और ये दरमियान में आया, मैं इसको स्टार्ट में ले आया, तो ये मार्क कर लेते हैं। तो होपफुली अगर यही 2 वीक्स हैं, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ रहती है, तो फिर हम आगे जाके डिज़ाइन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा टॉपिक है, दिस इज फेलियर्स कंस्ट्रक्शन एंड देयर मेंटेनेंस, यानी कि फेलियर्स को हम डिस्ट्रेसेस का भी नाम देते हैं। और फेलियर्स या डिस्ट्रेसेस एक ही बात, फिर उसका मेंटेनेंस कैसे हम करते हैं, और अगर मेंटेनेंस से बात आगे चली जाए तो फिर हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। So this slide showed basically the list of all those failures which occurs in our payments। और इसमें ये basically इस slide में ये बता रहा है कि आपके पास जो भी आगे से problem आएगी, problem means के payment distress, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, हर एक की figure भी इसमें distress की attach होगी, साथ में उसकी description भी given होगी कि ये it's what is this itself, ठीक है। Secondly, why is this distress, ठीक है, ये यानी कि ये हुई क्यों, और फिर उसकी जो मल्टीपल रीजंस हैं वो रीजन भी हम डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट दिस इज द लिस्ट ऑफ दोज डिस्ट्रेसेस और फेलियर्स। लेट मी मॉडिफाई इट। दिस स्ट्रेस, ठीक है, सो हमने से डिस्ट्रेस, दिस इज नॉट डाई स्ट्रेस, दिस इज डिस्ट्रेस और फेलियर, ठीक है, एक ही बात है। सो द फर्स्ट वन इज फटीग क्रैकिंग, देन ब्लीडिंग, ब्लॉक क्रैकिंग। चूंकि आपने फर्स्ट जो ट्रांसलेशन वन है वो पढ़ ली है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मे बी यू यू पीपल आर फैमिलियर विद सम ऑफ दोज टर्म्स, लेकिन अगर कुछ रह गई है तो वो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो ब्लॉक सही। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? फेलियर, फेलियर या डिस्ट्रेस, ये पेमेंट के अंदर किसी भी किस्म के ना स्ट्रक्चर में जो फेलियर आता है उसे हम जी सर, डिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फेलियर सर। या डिस्ट्रेस एक ही चीज़ है, यानी कि एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हो। तो ओके सर। फिर कोरोनरी शोविंग, डिप्रेशन, ज्वाइंट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। फिर अब अभी लिस्ट का मुझे वन बाय वन नाम पढ़ने की नहीं जरूरत, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, हम वन बाय वन आगे डिस्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड द मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ क्रैकिंग, दिस इज फटीग क्रैकिंग, ठीक है, और फटीग या फिर इसको एलिगेटर भी कहते हैं, ठीक है, एलिगेटर क्रैकिंग। मैं इधर लिख देता हूँ, एलिगेटर क्रैकिंग। ठीक है, सो दिस इज फटीग और एलिगेटर। अब एलिगेटर क्यों कहते हैं, एलिगेटर का पता है सबको, कछुआ, सॉरी कछुआ ही होता है ना, वो जो पानी में होता है। तो सर मगरमच्छ को कहते हैं। वट एवर, वो जो भी है उसकी जो पीठ पे जिस तरह से वो मतलब उसी पीठ जिसकी भी जिस तरह की उसकी पीठ होती है ना, वैसे ही ये क्रैक्स हैं, मतलब ये क्रैक्स इरेगुलर से हैं और बहुत ज्यादा हैं, कोई कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो यानी कि तो ये उसकी जो स्किन है, ठीक है, उससे रिजेंबल करती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एलिगेटर क्रैकिंग और फटीग। फटीग तो इटसेल्फ ये इसका टेक्निकल नेम है, लेकिन चूंकि ये रिजेंबल करता है एलिगेटर की स्किन के साथ, तो इसलिए हम इसे एलिगेटर क्रैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि इसकी अगर देख लें, दिस इज द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स, यानी कि पिछली
पिक्चर में अगर आप देखें सीरीज ऑफ इंटरकनेक्ट, यानी कि एक से कनेक्टेड है दूसरा क्रैक, ठीक है, तो सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स कॉज्ड बाय फटीग फेलियर ऑफ द एचएमए सरफेस। एचएमए का सबको पता है, एचएमए इज हॉट मिक्स एस्फॉल्ट, ठीक है। नॉर्मली पाकिस्तान में एचएमए का ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम जो हम हॉट मिक्स एस्फॉल्ट ही यूज करते हैं। तो इसमें और भी टाइप्स होती हैं इसकी, एक होती है वार्म मिक्स एस्फॉल्ट WMA, एक होती है कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट, लेकिन हमारा जो अभी तक एट दिस अंडर ग्रेजुएट लेवल हमारा जो कंसर्न है दैट इज HMA हॉट मिक्स एस्फॉल्ट। तो वो कहते हैं कि फटीग का भी सबको पता होना चाहिए। फटीग होता है कि कोई भी स्ट्रेस ना रिपीटेडली बार बार वो स्ट्रेस लग रही है। अब पेमेंट के केस में बार बार हमारे पास कौन सा स्ट्रेस जो है रिपीटेडली लग रहा है, दैट इज स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ व्हील ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, टायर ऑफ अ व्हीकल, तो वो बार बार लग रहा होता है क्योंकि एक एक व्हीकल ने पास किया तो देन दूसरी तीसरी एंड सो ऑन, ठीक है। सो यानी कि वो बार बार फटीग की वजह से उस जो आप कह रहे हैं लोडिंग की वजह से उसमें फेलियर आता है और इसकी सरफेस पे ये चीज़ आती है अंडर रिपीटेड ट्रैफिक लोडिंग, ठीक है। सो इन थिन पेमेंट्स क्रैकिंग इनिशिएट्स एट, अच्छा थिन पेमेंट्स में वो कहते हैं अगर थिन का सबको पता है उनमें क्या होता है कि क्रैकिंग इनिशिएट्स एट द बॉटम ऑफ द एचएमए लेयर वेयर टेंसाइल स्ट्रेस इज द हाईएस्ट देन प्रोपोगेट्स टू द सरफेस एज वन और मोर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। दिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज बॉटम अप और क्लासिकल फटीग क्रैकिंग। यानी कि इसमें वो दो बातें कर रहा है कि अगर थिन पेमेंट्स होंगी तो उसमें से उसमें क्रैक्स किस तरह इनिशिएट होंगी, और अगर थिक पेमेंट्स होंगी तो वहाँ पे क्रैक्स किस तरह से प्रोपोगेट होंगी। थिन पेमेंट्स में वो कहते हैं कि बॉटम से लेयर्स जो हैं इनिशिएट होती हैं वेयर टेंसाइल स्ट्रेसेस इज द हाईएस्ट, और वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसे, ऊपर से जब टायर मूव करेगा तो नीचे वाला जो पोचू है थिन है तो थिन सरफेस नीचे से उसको ना एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि टेंशन उसके नीचे फील हो रही होती है, वहाँ पे टेंशन वो कहते हैं ज़्यादा होती है। तो इस फिनोमेना में वो क्या कहता है कि जो क्रैक्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जनरेट होते हैं, यानी कि जो जो पेमेंट जो थिन पेमेंट है उसका जो बॉटम है बॉटम से सरफेस की तरफ क्रैक्स जो हैं मूव करती हैं, तो उसको हम कॉमनली बॉटम अप क्रैकिंग भी कहते हैं या फटीग क्रैकिंग भी कहते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये इसका फिनोमेना बता रहा है कि थिन पेमेंट्स में ये कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है। और थिक पेमेंट्स में कैसे होती हैं, क्योंकि थिक बहुत ज़्यादा थिक है और उसका जो इफेक्ट है जो टायर का इफेक्ट है वो नीचे नहीं जा रहा, तो उस केस में क्या होता है कि स्टॉप ही पे क्रैकिंग होती है और उसके बाद टॉप से फिर नीचे की तरफ ये जो है ना क्रैक्स मूव करते हैं। अगर वो फर्दर आप इसको मेंटेनेंस की ना करें तो फिर ये क्रैक्स जो है टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे। आफ्टर रिपीटेड लोडिंग द लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स कनेक्ट फॉर्मिंग मेनी साइड्स शार्प एंगल्ड पीसेस दैट डेवलप इनटू अ पैटर्न रिजेंबलिंग द बैक ऑफ एलिगेटर और क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये था, दिस वॉज अबाउट द फटीग क्रैकिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। तो इंडिकेटर ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर, यानी कि फटीग क्रैकिंग हो गई, अब होने से हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ दिस पेमेंट। स्ट्रक्चर क्या है पेमेंट ही हमारे पास, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है फेल हो गया, ये फेलियर की तरफ जा रहा है। और जब क्रैक्स once develop ho gaye it means ke now we are allowing not we us now the structure will allow water to pass through it, theek hai, yani ke upar se jo precipitation ya infiltration pani aayega kisi bhi source se wo directly niche infiltrate karega, theek hai, aur fir further jab main aage har lecture mein almost aapko batata rehta hu ke water is the enemy of any civil structure, to उस केस में होगा क्या कि वो फर्दर उसकी जो जो सरफेस है पेमेंट की सरफेस को रफ कर देगा, एंड और जो फर्दर जब वो रफ करेगा तो वो जो क्रैक्स हैं
वो एक पॉट होल में कन्वर्ट हो जाएगा. पॉट होल अब इटसेल्फ इज अ पॉट होल इटसेल्फ इज अ फेलियर और डिस्ट्रेस. लेकिन यहाँ पे पॉट होल्स का मैं आपको ये बताऊँ कि पॉट होल जिसे हम कहते हैं ना छोटे छोटे, दिस इज बाउंड में कहते हैं खड्डे रोड में पड़ जाना, तो पॉट होल इज बेसिकली खड्डा, ठीक है, दिस इज बाउंड में. और मतलब यानी कि क्रैक था इनिशियली, पानी आया, पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट किया, वो क्रैक बड़ा हुआ तो वो पॉट होल बन गया, ठीक है. और उसके बाद आगे हम चलते हैं किस तरफ, पॉसिबल कॉजेज इसकी, यानी कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये फटी क्रैकिंग हुआ है, ये मतलब फटी पेटोल, रिपीट कर दे, पेटोल पॉट होल, दिस इज नॉट पेट होल, दिस इज पॉट होल. पॉट होल, होल तो सब सबको पता है ना, ठीक है. यस सर, यस, हाँ, दिस इज पॉट होल. पॉट होल होता है यानी कि जब क्रैकिंग हुई, फटी क्रैकिंग सरफेस पे, ठीक है. पानी चूंकि हमें पता है कि पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करता है, ठीक है, और पानी यानी कि सरफेस रोड के सरफेस पे आया, और सरफेस से फिर जाहिर है जब क्रैक्स बन गए हैं, पानी को रास्ता मिल रहा है, पानी नीचे जाएगा, ठीक है. पानी जब फर्दर नीचे जाएगा तो पानी उस उन क्रैक्स को बड़ा करता जाएगा, यानी कि पानी की मौजूदगी में जब उस पर लोडिंग आएगी तो वो जो क्रैक्स है ना बड़े होते जाएंगे, मटेरियल जो है ना वहाँ से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मटेरियल वहाँ से क्रैक्स से लूज होना शुरू हो जाएगा. अब वो करते 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खड्डा बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं खड्डा ही कहते हैं पंजाबी में, तो खड्डा ही कहते हैं आई थिंक, और उर्दू में भी अगर किसी को पता हो तो वो हम सबको यहाँ पे क्लियर कर दे, ठीक है. तो यहाँ इस तरह से आपके जो मतलब छोटे छोटे खड्डे जो बन जाते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज पॉट होल, ठीक है. पॉट होल अगर हम आगे चले जाएं, मैं आपको अगर यहाँ पे हुआ मैं दिखा देता हूँ, होपफुली होगा ये नजर आ रहा है सबको, जी सर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है. तो दिस इज ये देखें, ये क्रैक्स हैं इतने सारे यहाँ पे इस एरिया में, और दिस इज पॉट होल. तो अब चलते हैं पीछे, ठीक है. अच्छा, पॉसिबल कॉजेज क्या हैं कि इन एडिक्वेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि अब हम यानी एक तरह से एक फेलियर आ गया, अब हम ये देख रहे हैं कि यार ये किस वजह से आया, ठीक है. तो अब ऑब्वियसली हम उसके अंदाजे ही लगाएंगे कि क्या क्या रीजंस थी जिसकी वजह से ये एलिगेटर क्रैकिंग या फटी क्रैकिंग आई हुई इसमें. तो द फर्स्ट पॉसिबल कॉज विच वी प्रिडिक्ट इज वी सपोर्ट दैट suppose that it may be because of inadequate structural support, यानी कि उसको जो structure को हमने support दी थी, support in terms of यानी कि एक आगे से आप embankment बनाते हैं, एक पीछे से आप retaining wall देते हैं, या किसी भी किस्म की support, या नीचे से जो आप क्या लें कह लें अपना जो subgrade देते हैं वो stronger enough नहीं थी कि वो loads को bear करे. तो कोई भी reason है जिस inadequate के अंदर, यानी कि आप कह लें कि जो यानी कि जो सपोर्ट आपने पेमेंट को जो है ना अच्छी नहीं दी, यानी जो जितनी उसको सपोर्ट रिक्वायर्ड थी उससे कम सपोर्ट उसको मिली है, तो उस वजह से ये फेलियर आया. और जो फर्दर जो उसकी जो मोर कॉमन वंस हैं, जो फ्यू मोर कॉजेज हैं, वो ये नीचे हैं, ठीक है. एक है जी डिक्रीज इन पेमेंट लोड सपोर्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है कि हम सबको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी चीज़ को अब आप जब आप यूज करना शुरू करें तो डे वन पे जो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थी या उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद लोडिंग हुआ क्या कि वो उसका उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो गई, ठीक है. तो उसको उसे हम कहते हैं कि डिक्रीज इन पेमेंट लोड सपोर्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है.
ठीक है। अच्छा एक चीज, सेकंड वन इज, अच्छा इसमें थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लॉस ऑफ बेस, सब बेस और सब ग्रेड सपोर्ट, फॉर एग्जांपल पुअर ड्रेनेज और स्प्रिंग थॉ रिजल्टिंग इन अ लेस स्टिफ बेस। एक कहते हैं कि नीचे से मटेरियल जो है ना कहीं से आगे पीछे निकल गया, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा आ गया, कोई भी वजह हो। दूसरा स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग होता है कि ऑन द बॉटम ऑफ एचएमए लेयर द स्ट्रिप्ड पोर्शन कंट्रीब्यूट्स लिटिल टू पेमेंट्स ऑन स्टेम, सो द इफेक्ट, यानी कि किसी भी वजह से पेमेंट की ना बॉटम लेयर्स में पानी आ गया, तो अब उस पानी की वजह से जो पंप, जो वो वाला पोर्शन जहाँ पे पानी आया हुआ है वो उसकी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से सो द इफेक्टिव एचएमए थिकनेस डिक्रीजेज। अब वो वाला पोर्शन जो कि स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो इट मींस कि वो हमारे किसी काम की नहीं है वो थिकनेस, वो या वो मटेरियल, तो ओवरऑल फिर उसकी जो पेमेंट की जो थिकनेस है वो कम होगी, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं। तो ये उसी कैटेगरी के अंदर आता है कि डिक्रीजिंग द पेमेंट लोड सपोर्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। द सेकेंड वन इज के इनक्रीजिंग लोडिंग। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लोडिंग, हमारा जो फिनोमेना है वो, मतलब आप कह लें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, बट ऑन द अदर साइड वी आर इंक्रीजिंग आवर लोड, ठीक है। तो वो लो, एक तरफ लोड इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ उसकी जो स्ट्रेंथ है या बेयरिंग कैपेसिटी आप एक तरह से कह लें, वो तो खैर सॉइल के केस में यूज होती है, लेकिन हम जस्ट रिलेट कर रहे हैं, एक तरफ वो कम हो रही है, ठीक है। सेकंड वन इज इन एडिक्वेट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ठीक है, यानी कि आपने स्टार्ट में जो डिज़ाइन किया है पेमेंट स्ट्रक्चर को वो देट वॉज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो एक तो वो डिज़ाइन सही नहीं था। एंड द लास्ट वन रीज़न इज इट मे बी बिकॉज ऑफ पुअर कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने कंस्ट्रक्शन में कोई दो नंबरी की है, तो दीज आर द रीजन्स बिहाइंड फटीक क्रैकिंग, ठीक है। अब ठीक है जी, फटीक क्रैकिंग तो हो गई, नाउ व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस सॉल्यूशन। तो रेमेडी इज के आप क्या करेंगे उस पूरे पोर्शन को, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी क्रैक हो या जनरली, या आप कह लें कि मोस्ट ऑफ द फेलियर्स, आप एक बड़े एरिया को कट करते हैं एक रेगुलर शेप में और कट करके वहां पे एक पैच लगा देते हैं, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, या अगर उसका एक्सटेंड बहुत ज्यादा है या बड़े एरिया पे वो क्रैकिंग या कोई भी वो डिस्ट्रिक्ट से फैला हुआ है, तो उस केस में आप ये करते हैं कि आप ओवरले, यानी कि ऊपर से एक नई लेयर पेमेंट की जो है मटेरियल उसके बिछा देते हैं। सो इन दिस केस, इन दिस स्पेसिफिक केस रिपेयर इज के अ फटीक क्रैक्ड पेमेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमिन द रूट कॉज ऑफ फेलियर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चूंकि हमने पीछे मल्टीपल रीजंस या कॉजेज पढ़ लिए हैं, इन कॉजेज की वजह से ये फटीक क्रैक्स जो हैं ये हो सकते हैं, अब हमने उन कॉजेज में से आइडेंटिफाई करना है कि विच वन स्पेसिफिक कॉज इज बिहाइंड दिस रीजन, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक कॉज के पीछे हमने जाना है, उस स्पेसिफिक कॉज का जब हमें पता चल जाएगा फिर हमने उस कॉज को या उस वजह को पहले रिमूव करना है, उसके बाद हमने उसको उसकी जो है ट्रीटमेंट करनी है। तो एनी इन्वेस्टिगेशन शुड इन्वॉल्व डिगिंग अ पिट और कोरिंग, डिगिंग अ पिट और कोरिंग, यानी कि आप कोई भी, क्योंकि आपने पेमेंट की बेस पे जाके हवा से, क्लाइमेट से या वहां से तो आपको उसकी रीजन मिलेगी नहीं ना, आप क्या करते हैं कि उसकी बेस से नीचे से जाके वहां से रीजन को फाइंड आउट, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करते हैं उसको डिग करते हैं, अब इस केस में डिगिंग तो नहीं होती, इस केस में आप कोर निकालते हैं, कोर का आई होप आप सबने कोर कटर मेथड जो टेस्ट है वो किया होगा, कोर कटर हम सॉइल के केस में भी करते हैं, पेमेंट के केस में भी करते हैं। तो कोर कटर सर इसके लिए कोर कटिंग मशीन यूज होती है ना, जी जी जी, जो कंक्रीट में भी यूज होती है, बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो कोर कटिंग को वहां से हम कोर निकालते हैं, ठीक है, कोर निकाल के फिर हम फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि हम उस रूट कॉज की तरफ जाते हैं, ठीक है। द पेमेंट टू डिटरमिन द पेमेंट स्ट्रक्चरल मेकअप, एज एक तो वो उसका स्ट्रक्चरल मेकअप बताता है, यानी कि जो हमने इनिशियली जो डॉक्यूमेंट्स में जो डिज़ाइन थी पेमेंट, क्या वही चीज़ बनी है, तो वहाँ से उसकी लेयर्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं, फिर उसके अंदर आपने कितना बिटुमेन डाला है वो आप उसकी फर्दर जो एक्सट्रैक्शन करके एग्रीगेट्स को अलग कर सकते हैं, बिटुमेन कंटेंट भी वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
यानी कि आपने कोरिंग निकाल के उसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया, मॉइस्चर को भी देख लिया, सारे फैक्टर्स को देख लिया. वंस द करेक्टरिस्टिक्स एलिगेटर पैटर्न इज अपेरेंट, रिपेयर बाय क्रैक सीलिंग इज जनरली इन इफेक्टिव. कटी क्रैक रिपेयर जनरली फॉल्स इनटू टू और मोर वन ऑफ द टू कैटेगरीज. यानी कि वो कहते हैं कि अगर क्रैकिंग आ गई और आप कहें कि मैं क्या करूं, जिस तरह हम यानी कि कोई क्रैक आ गया तो हम उसको कोई फिलर लेके, ठीक है, फिलर इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग मटीरियल लेके हम उस क्रैक को फिल करने की कोशिश करें, तो दिस इज इनइफेक्टिव. यानी कि वो काम नहीं करेगा, वो जस्ट फॉर द फ्यू डेज आप कह लें या फॉर द टाइम बीइंग उसको सील तो कर देगा, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर और इंजीनियरिंग सोल्यूशन. ठीक है, सो उसको जब रिपेयर करने का, वो कहते हैं कि हमारे पास दो कैटेगरीज हैं कि आप कैसे उसको रिपेयर करेंगे. एक तो मैंने आपको जनरल बता दिया था पीछे, तो लेट्स सी कि वो वाला और ये इसके साथ कितना रिजेंबल करते हैं. तो वो कहते हैं अगर स्मॉल हो, यानी कि एरिया छोटा हो, छोटे एरिया में अगर क्रैक्स डिवेलप हो जाएं, तो एरिया ऑब्वियसली आप उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर छोटा एरिया है तो उस केस में क्या होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा. सो लेट्स सी व्हाट लिटरेचर सेज. रिमूव द क्रैक पेवमेंट एरिया, देन डिग आउट एंड रिप्लेस द एरिया ऑफ पुअर सबग्रेड एंड इम्प्रूव द ड्रेनेज ऑफ दैट एरिया इफ नेसेसरी. पैच ओवर द रिपेयर्स. यानी वो सारे का सारा एरिया उस अगर छोटा एरिया है, ठीक है, स्मॉल, दिस इज द फर्स्ट वन, कि अगर छोटे एरिया में क्रैक है तो आप क्या करें, उस पूरे पेमेंट को रिमूव करें वहाँ से, फिर आप उसकी सब ग्रेड को इम्प्रूव, उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस करें, या सब ग्रेड अगर कम्पैक्ट नहीं हुई उसको प्रॉपर कम्पैक्ट करें. अगर आपने कोई केमिकल्स या किसी भी मॉडिफायर के थ्रू आप उसकी सब ग्रेड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं तो उस तरह से बढ़ाएं. फिर उसके बाद आप क्या करें, प्रॉपर लेयर्स में आप डाल के पेमेंट को दोबारा से वहाँ पे लेयर दोबारा ले करें, एंड देन आप उसकी जो थर्ड वन जो आप काम कर सकते हैं इसमें, वो आपकी उस एरिया की ड्रेनेज को इम्प्रूव कर दें. यानी कि आप मेक श्योर कर लें कि दैट यू आर नॉट अलाउइंग द वाटर इनटू दैट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वहाँ से पानी का जो है ड्रेनेज भी प्रॉपर दे दें, एंड देन आप उस एरिया के ऊपर पैच दे दें. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी. सेकंड क्या कहता है कि लार्ज फटी क्रैक एरियाज इंडिकेटिव ऑफ जनरल स्ट्रक्चरल फेलियर. कि अगर बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, लेट्स से इनिशियली अगर छोटे एरिया को हम कंसिडर करें, लेट्स से मैं कहता हूँ जी 10 to 20 meter square एरिया है या 50 meter कह लें, तो दिस इज नॉट इन केस ऑफ पेमेंट दिस इज नॉट अ बिग एरिया. ठीक है, तो उस केस में आप उसे स्मॉल की कैटेगरी में ला सकते हैं. अगर लार्ज हो तो उस केस में हम नॉर्मली वी रेफर, हम कहते हैं कि दिस मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर. तो स्ट्रक्चर बेस हमारा जो स्ट्रक्चर एसोसिएट दैट इज लिंक्ड डायरेक्टली विद द सब ग्रेड. यानी कि हमारा जो ग्राउंड है, नेचुरल ग्राउंड है, या हमने सब ग्रेड जो मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रिपेयर्ड नेचुरल सरफेस ऑफ ग्राउंड, वो ग्राउंड की जो सरफेस है वो हमारी स्ट्रॉन्गर इनफ नहीं थी कि जिसके ऊपर हमने मटेरियल, तो हमारी कंस्ट्रक्शन भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हमारा जिसे आप कह लें बुनियाद, या हाई राइज बिल्डिंग के केस में आप कह लें फाउंडेशन, तो फाउंडेशन आपकी वीक होगी, ऊपर आप बिल्कुल अप टू द यू नो एज पर स्टैंडर्ड्स आप कंस्ट्रक्शन करें, तो इन एनी केस योर स्ट्रक्चर विल कोलैप्स और योर स्ट्रक्चर विल गेट डिटेरियोरेटेड एट अ फास्टर रेट. ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं कि प्लेस HMA ओवरले ओवर द इंटायर पेमेंट सरफेस. दिस ओवरले मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ स्ट्रक्चरली टू कैरी एंटीसिपेटेड लोडिंग, बिकॉज the underlying fatigue crack pavement most likely contributes little or no strength. यानी कि वो कह रहा है कि अगर ऐसे केस में कि आपने आपका जो स्ट्रक्चर ही सारे का सारा फेल हो गया, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप ये करेंगे कि आप उसके ऊपर इतनी थिक ओवरले करेंगे. मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, मुझे तो याद है, अगर आप लोगों को याद हो, एक होता है ओवरले, एक होता है इनले. ठीक है, इनले होता है कि आपने ऊपर वाले मटेरियल को रिमूव किया और उसी लेवल को अटेन किया, आपने नया मटेरियल डाला और उसी लेवल को अटेन किया, दिस इज द इनले. ओवरले होता है कि ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है, आपने उसको रिमूव नहीं किया, आपने उसके ऊपर और मटेरियल डाला और पेमेंट की जो टॉप सरफेस है उसका लेवल जो है ना आपने बढ़ा दिया. ठीक है, तो वो हो गया ओवरले. अब इस केस में वो कहते हैं कि आप ओवरले इतनी थिक डालें कि
आपकी जो नीचे वाली डेफिशिएंसी है, जो स्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है, वो उस डेफिशिएंसी को कवर कर ले, ठीक है। सो ये लिटरेचर कह रहा है, ये मतलब ये इसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो ताकि यानी कि इतनी थिक आप ओवरलेप डालें कि वो उसकी जो स्ट्रक्चरल जो डेफिशिएंसी है वो उसको यानी कि आप कह लें कैंसिल आउट कर दें और आपकी जो पेमेंट है उसके बाद जो है ना परफॉर्म करें। सो दीज आर द टू रेमेडीज टू दिस प्रॉब्लम। अब ये कहते हैं कि फटीक रैकिंग फ्रॉम फास्ट एक्शन, ये बेसिकली उसी की एक्सटेंशन है कि हमने पीछे जो पॉसिबल कॉजेज पढ़े हैं ये उन्हीं कॉजेज में से एक काज है, लेकिन यहाँ पे वजह थोड़ी सी जो है ना और है, और क्रैक्स का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दिस इज ड्यू टू फास्ट एक्शन एंड दिस वन इज ड्यू टू द एज फेलियर, यानी कि पेमेंट आपने ठीक बनाई, उसके जो एजेस थे वो वीक थे, एजेस बैठ के या साइड्स बैठ गई, तो ये देखें फिर यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हुआ। सो ये भी सारा उसके इसी कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट फेलियर इज या नेक्स्ट डिस्ट्रेस इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का हम सबको पता है, बट इन केस ऑफ पेमेंट्स ब्लीडिंग इज नॉट लाइक के ब्लड आ रहा है, वैसे ब्लड से ब्लीडिंग बना हुआ है, लेकिन इन दिस केस पेमेंट के केस में जो हमारा ब्लड है दैट इज बिटुमिन, ठीक है। सो अब व्हाट इज ब्लीडिंग, अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, ब्लीडिंग ये है कि आपकी पेमेंट की सरफेस पे, वजह कोई भी है, सरफेस पे ना बिटुमिन इतना ज्यादा आ गया कि वो उसके ऊपर जमा हो गया, ठीक है, एक्युमुलेट हो गया, सो इन दैट केस उसको आप कहते हैं कि दिस इज ब्लीडिंग। अब लेट्स एक्सप्लोर दिस, व्हाट इज दिस ब्लीडिंग, डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि अ फिल्म ऑफ एसफॉल्ट बाइंडर ऑन द पेमेंट सरफेस, इट यूजली क्रिएट्स अ शाइनी ग्लास लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कैन बिकम क्वाइट स्टिकी। कैसे, यानी कि एक तो ये कि थिन फिल्म जो है ना पेमेंट की सरफेस पे एक थिन फिल्म बन जाती है, इट मीन्स कि हमने जो नीचे एग्रीगेट डाला था अब वो एग्रीगेट जो है ना वो छुप के अब ऊपर से पेमेंट की जो एसफॉल्ट बाइंडर की जो है ना लेयर आ गई। अब होगा क्या कि आपका जो टायर है और जो आपकी पेमेंट सरफेस है उन दोनों के दरमियान आपका टायर जो है ना वो एग्रीगेट पे नहीं बल्कि उस थिन फिल्म ऑफ बिटुमिन उस पे जो है ना कॉन्टेक्ट उसका होगा। तो उस केस में होगा, उसके सबको पता है कि अगर टायर एक तरफ से एग्रीगेट पे है और दूसरी तरफ से टायर किस पे है, बिटुमिन पे है या एसॉल्ट पे है, तो स्किड रेजिस्टेंस किस पे ज़्यादा होगी। Anyone? Obviously, जो आपकी skid resistance है, वो aggregate पे जब tire move करेगा तो उस पे ज्यादा होगी, और जब bitumen होगा तो उस केस में skid resistance जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। So it usually creates a shiny glass-like reflecting surface, as in the अच्छा फोटो में आगे दिखा रहा हूँ आपको, that can become quite sticky, यानी कि sticky किस केस में, जब गर्मियों का सीजन होगा ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस केस में वो कह रहे हैं कि वो यानी कि चिपक रहा होता है, यानी वो जो बिटुमेन है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो टायर के साथ फिर चिपकता है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि लॉस ऑफ स्किड रेजिस्टेंस व्हेन वेट, यानी कि पानी जब आएगा या बारिश होगी उस केस में स्किड के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉसिबल काजेज क्या हैं कि ब्लीडिंग ऑकर्स व्हेन एसफॉल्ट बाइंडर fills the aggregate voids during hot weather and then expands into the pavement surface. Since bleeding is not reversible during cold weather, asphalt binder will accumulate on the pavement surface over time. अच्छा, ब्लीडिंग तब होती है कि जब आपने बिचुमेन उसमें इतना ज्यादा डाल दिया कि जो दरमियान में पोर्स हैं या voids हैं उसमें आपने उसको एसफॉल्ट के साथ या बिचुमेन के साथ फिल कर दिए, ठीक है। अब होगा क्या, गर्मियों में जब लोड उस पर मूव करता है, चूंकि दिस इज अ फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जब लोड मूव करता है उसके ऊपर, तो वो आपको पता है कि लिक्विड कोई कहीं भी हो ना किसी भी स्ट्रक्चर में वो हमेशा टॉप पे आने की कोशिश करता है, तो दिस बिटुमेन इज सम हाउ लिक्विड इन केस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो वो टॉप पे आने की कोशिश करता है, वो जब टॉप पे आ जाए गर्मियों में तो एक तो ये कि स्किड रेजिस्टेंस कम होगी, सेकेंडली
हमें ये भी पता है कि दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, कि सर्दियों में ये फिर नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या कहता है कि फिर सर्दियों में वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट कर जाता है, उस टाइम चिपकता तो नहीं है टायर्स के साथ, लेकिन ये है कि वो उस, मतलब स्ट्रक्चर में एक तरह से आप कह लें कि आपका बिटुमेन कंटेंट जो वो कम हो जाता है, कम रह जाता है नीचे, और जो ऊपर आ जाता है एक्सेसिव वो आपके लिए फायदेमंद वो भी नहीं है। तो ये देखें ब्लीडिंग, यानी कि व्हील, जब व्हील के जो जहाँ पे व्हील आपका मूव करेगा टायर, उधर देखें ये जो ब्लैक ब्लैक हुआ हुआ है, दिस इज ब्लीडिंग, ठीक है, इसे बिटुमेन से ऊपर आ गए, ठीक है, और यहाँ पे यानी कि अच्छी तरह से ब्लीडिंग आपको शो हो रही है। तो देखें कितना एक्सेसिव बिटुमेन इसमें सरफेस पे आ गया हुआ है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एच एम ए ब्लीडिंग फ्रॉम ओवर एस्फॉल्टिंग, मतलब उन्होंने एस्फॉल्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया। तो ये दिस इज अगेन द केस ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, और हमारे पास एक दो मिनट हैं। दिस कैन बी कॉज बाय वन और अ कम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग, एक्सेसिव एस्फॉल्ट बाइंडर इन द एच एम ए, एक तो ये कि आपने बाइंडर बहुत ज़्यादा डाल दिया है, और दूसरा ये कि आपने एयर वॉइड कंटेंट बहुत कम रखा है कि वो जैसे ही कंपैक्ट हुआ तो वो फर्दर ऊपर आ गया। तो साथ में रिपेयर क्या है कि आप इसमें ओबियसली रिपेयर यही होगा, जो काजेज हैं उनको ख़त्म कर दें, एक्सेसिव एस्फॉल्ट ना डालें, एयर वॉइड जितने रिक्वायर्ड हैं वो उतने ही रखें, बाकी ये आप इसको रीड कर लें, तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लें। तो मेरे ख्याल से आज टोटल 6 लोग हैं, तो इंक्लूडिंग मी वी आर 7, तो मैं इनकी ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो मैं इनकी अटेंडेंस लगा लूँगा, बाकी ये कि नेक्स्ट टाइम फिर स्ट्रेंथ आपकी पूरी हो तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नेक्स्ट टाइम फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर, हाँ जी, तो आज के लिए फिर काफ़ी है या अभी पढ़ना है? सर, बहुत ज्यादा किधर है यार, काफी सर, ये लड़के भी नहीं है।